आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट डोमिसाइल इशू, सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। जी हाँ फ्रेंड, सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट अगर कोई होगा आपके आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट के सिलेक्शन में तो वो है डोमिसाइल, जिसे नेशनलिटी के नाम से भी जाना जाता है, डोमिसाइल या फिर नेशनलिटी। तो ये क्यों सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और क्यों इतना ज़रूरी है, मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ, पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अभी तक आपने जीके टेक प्रणो को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बेल आइकन है उस पर प्रेस कर दीजिए, मतलब मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो उसमें इंपॉर्टेंट क्या है वो अपडेट्स आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करेंगे आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट डोमिसाइल इशू को। तो फ्रेंड्स, आप जब भी कोई एग्जाम फॉर्म भरे, चाहे वो बैंकिंग का हो, एसएससी का हो या फिर कोई भी एग्जाम का बैंकिंग फॉर्म भरे आप, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इंपॉर्टेंट है कि आप नोटिफिकेशन पूरे ध्यान से पढ़े कि उसमें क्या क्या मेंशन है, क्या क्या क्राइटेरिया मेंशन है, आप उसको फिलफिल करते हैं या नहीं, ये सब देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप एग्ज़ाम देंगे, उसके बाद में सारे एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे, अच्छे मार्क्स भी आ जाएंगे, लेकिन आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को जाएंगे तब आपको वहाँ से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि आपके पास में डॉक्यूमेंट्स बराबर ही नहीं है, तो आपको जॉब भी नहीं मिलेगी और आपकी सारी मेहनत बेकार चल जाएगी। तो आपको जब भी कोई आप फॉर्म भरे तो आपको पहले नोटिफिकेशन डिटेल में चेक करना है। अब देखिए, ये है आपके आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट 2020-21 का जो नोटिफिकेशन है वो आपके स्क्रीन पर है। अब देखिए पेज नंबर 11, उसमें क्या मेंशन है, पॉइंट नंबर 1 पढ़िए। देखिए मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। अ कैंडिडेट शुड हैव 10th स्टैंडर्ड एसएससी मैट्रिकुलेशन फ्रॉम द कंसर्न स्टेट और यूटी कमिंग अंडर द रीजनल ज्यूरिडिक्शन ऑफ द रिक्रूटिंग ऑफिस। तो इसका मतलब क्या है, आप जो कैंडिडेट है, मतलब आप लोग, उनके पास में 10th स्टैंडर्ड का मतलब 10वीं का एसएससी का मैट्रिकुलेशन का जो सर्टिफिकेट है, तो जिस स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हो उसी स्टेट का आपका 10th पास होना चाहिए, 10th पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए। कोई भी स्टेट हो या फिर यूनियन टेरिटरी हो, राज्य हो या फिर केंद्र शासित प्रदेश हो, तो उसी राज्य का आपके पास में 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए। आगे देखिए इसमें क्या मेंशन है, पॉइंट 1 में, टू विच ही और शी अप्लाई, मतलब जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो, जिस स्टेट और यूनियन टेरिटरी के लिए, उसका सर्टिफिकेट आपके पास में 10वीं का होना चाहिए। सच क्वालिफिकेशन शुड बी फ्रॉम अ रिकग्नाइज बोर्ड ऑफ दैट स्टेट और यूटी। ये जो आपका क्वालिफिकेशन है, जो स्टेट बोर्ड और यूनियन टेरिटरी का जो स्टेट बोर्ड होता है, तो उसका होना चाहिए वो सर्टिफिकेट। सेकेंड पॉइंट देखिए, इन एडिशन टू द अबाव द कैंडिडेट शुड हैव डोमिसाइल ऑफ द स्टेट और यूटी। तो कैंडिडेट के पास में उस स्टेट का या फिर यूनियन टेरिटरी का डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जिसे नेशनलिटी के नाम से भी जाना जाता है, तो वो भी होना चाहिए। कमिंग अंडर द रीजनल ज्यूरिडिक्शन ऑफ द रिक्रूटिंग ऑफिस टू विच ही और शी अप्लाइंग फॉर। सेम है, मतलब जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसका आपके पास में डोमिसाइल नेशनलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए, और पॉइंट 1 मेंशन है आपके पास में 10वीं का भी उसी स्टेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगेन, डोमिसाइल की डेट क्या होनी चाहिए, तो देखिए डोमिसाइल की कोई डेट नहीं होती है, ये लाइफ टाइम वैलिड होता है। मान लीजिए आपने अभी निकाला तो ये आपका लाइफ टाइम वैलिडेट है, लेकिन जो ओबीसी सर्टिफिकेट होता है, कास्ट सर्टिफिकेट, वो लाइफ टाइम वैलिडेट नहीं होता है, वो हर साल निकालना पड़ता है। या फिर ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट होता है, वो हर साल निकालना पड़ता है, लेकिन डोमिसाइल जो है आपने एक बार निकाल दिया तो आपको बार बार निकालने की ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ श्योर करता है कि आप किस स्टेट के रेसिडेंट हो, ये इंश्योर करता है, आप इंडियन हो, ये भी एक मेंशन करता है नेशनलिटी, मतलब आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए कौन से ऑफिस के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, किस ऑफिस के अंडर कौन से ज्यूरिडिक्शन आता है, मैं आपको अब बताने वाला हूं। तो अब देखिए फ्रेंड्स, ये है पेज नंबर 31 ऑफ आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट नोटिफिकेशन, जो इस साल का नोटिफिकेशन था उसका पेज नंबर 31 है। इसमें है एनेक्स्टर 3, तो आप देख सकते हैं, अगर आपने नोटिफिकेशन डिटेल में देखा होगा तो उसमें एनेक्स्टर 1, 2, 3 ऐसा बहुत सारे प्रोफार्मा वगैरह सब रहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको डिटेल में एक एक चीज़ पढ़नी होती है फ्रेंड्स, ये बेवजह के नहीं दिए होते, टाइम पास के लिए नहीं दिए होते, इसका कोई ना कोई इंपॉर्टेंस है, तो आपको ध्यान से पढ़ना होता है नोटिफिकेशन। अब देखिए एनेक्स्टर 3 में क्या मेंशन है, रिक्रूटमेंट जोन्स फॉर आरबीआई ऑफिसेस फॉर रिक्रूटमेंट इन क्लास 4। तो जो आपका आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का जो रिक्रूटमेंट होता है, तो रिक्रूटमेंट जोन कौन सा है, रिक्रूटिंग ऑफिस कौन सा है, ये मेंशन है, और उसके अंडर कौन से ऑफिसेस आते हैं, मतलब सब ऑफिसेस कौन से आते हैं उस मेन ऑफिस के अंडर, रिक्रूटिंग ऑफिस के अंडर, तो ये सब इसमें मेंशन है, पूरा टेबल आप देख सकते हैं। तो देखिए पहला है अहमदाबाद, तो अब अहमदाबाद ऑफिस के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है, रीजनल ज्यूरिडिक्शन ऑफ द रिक्रूटिंग ऑफिस, ये है सेकेंड थर्ड कॉलम में। तो देखिए अहमदाबाद ऑफिस के लिए अप्लाई कर सकते हैं गुजरात स्टेट के कैंडिडेट, जिनके पास गुजरात का डोमिसाइल है,
गुजरात का 10th सर्टिफिकेट 10th पास सर्टिफिकेट और यूनियन टेरिटरीज ऑफ दमन एंड दीव, तो दमन एंड दीव के जो कैंडिडेट होंगे वो भी अहमदाबाद ऑफिस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। अहमदाबाद के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है, जिनके पास गुजरात का डोमिसाइल और 10th पास सर्टिफिकेट है, यूनियन टेरिटरी ऑफ दमन एंड दीव का 10th पास सर्टिफिकेट या फिर डोमिसाइल है, वो अप्लाई कर सकेंगे अहमदाबाद के लिए। नेक्स्ट है बेंगलुरु, तो जिन लोगों के पास कर्नाटका का सर्टिफिकेट है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और 10th पास सर्टिफिकेट, वो बेंगलुरु के लिए अप्लाई करें। अब देखिए भुवनेश्वर, भुवनेश्वर के लिए सिर्फ ओडिशा के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। फोर्थ है भोपाल, भोपाल के लिए छत्तीसगढ़ के कैंडिडेट, देखिए छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश, तो जो भी छत्तीसगढ़ के कैंडिडेट है उनको अगर कुछ डाउट होगा किस स्टेट से फिल करना चाहिए तो वो भोपाल से ही अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए अगर आप इनमें से कोई अलग ऑफिस से आपने अप्लाई किया है तो आपका कैंडिडेचर वैसे ही कैंसिल होने वाला है, आपको कुछ फ़ायदा नहीं है। अगर आप तो देखिए अगर इनमें से अगर आपने कोई अलग ऑफिस से अप्लाई किया है, मतलब मान लीजिए कोई कर्नाटक का स्टूडेंट है वो अहमदाबाद के लिए अप्लाई करता है, या फिर आप डायरेक्टली कोई और स्टेट से और मुंबई के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका वैसे भी जो सिलेक्शन है वो तो कैंसिल हो जाएगा, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तो उसमें कोई इशू ही नहीं है, वो आपको डायरेक्टली बाहर निकाल देंगे, वो आपको बोलेंगे आपके पास में डोमिसाइल का क्राइटेरिया आपको फुलफिल नहीं करता है तो आपको वो बाहर निकाल देंगे। अब देख सकिए मैंने भोपाल ऑफिस के लिए बताया था छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश मतलब उनके पास में वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट या 10th पास सर्टिफिकेट दोनों आपके पास में होना चाहिए। देखिए सिर्फ 10th पास को डोमिसाइल कंसिडर नहीं किया जाता है, जो आपका 10th पास का बोर्ड है वो तो एक अलग से है, साथ में डोमिसाइल, ये दोनों डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट नहीं है दो अलग डॉक्यूमेंट है, दोनों डॉक्यूमेंट आपके पास में होने चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और 10th पास का सर्टिफिकेट सेम स्टेट का। नेक्स्ट देखिए चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ का जो है उसमें कौन अप्लाई कर सकता है चंडीगढ़ ऑफिस के लिए, हरियाणा के स्टूडेंट, हिमाचल प्रदेश के स्टूडेंट, पंजाब और यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़, मतलब चंडीगढ़ सिटी के, तो ये सारे इसके अप्लाई कर सकते हैं चंडीगढ़ ऑफिस के लिए। नेक्स्ट देखिए चेन्नई में आप कौन अप्लाई कर सकते हैं, तमिलनाडु के स्टूडेंट और पुदुचेरी के स्टूडेंट। अब देखिए मैं स्टूडेंट बोल रहा हूँ मतलब जिनके पास में डोमिसाइल है और 10th पास सर्टिफिकेट है उस स्टेट का वो मेंशन कर रहा हूँ, तो आई होप आप समझ रहे हो। अब देखिए न्यू दिल्ली के दिल्ली और हरियाणा दोनों के जिनके पास में है वो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए गुवाहाटी, तो गुवाहाटी के लिए असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, मतलब जो 7 सिस्टर्स है तो वो सारे अप्लाई कर सकते हैं। असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, ये सारे 7 सिस्टर हैं नॉर्थ ईस्ट के, वो गुवाहाटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है हैदराबाद, तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों इसके लिए, दोनों स्टेट के स्टूडेंट हैदराबाद को अप्लाई कर सकते हैं। जम्मू ऑफिस के लिए जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है जयपुर, तो राजस्थान के स्टूडेंट के लिए जयपुर ऑफिस है। नेक्स्ट देखिए कानपुर, तो कानपुर के लिए कौन अप्लाई कर सकता है, जिनके पास में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों में से एक का डोमिसाइल और 10th पास सर्टिफिकेट हो, कानपुर के अप्लाई करें। नेक्स्ट है कोलकाता के लिए कौन अप्लाई कर सकता है, वेस्ट बंगाल, सिक्किम एंड अंडमान निकोबार आइलैंड्स। देखिए अंडमान निकोबार आइलैंड के भी स्टूडेंट है तो वो भी कोलकाता के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सिक्किम के भी कोलकाता के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट देखिए लखनऊ, तो लखनऊ के लिए कौन अप्लाई कर सकता है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों इसके स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है मुंबई, तो देखिए मुंबई के लिए कौन अप्लाई कर सकता है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सीरियस इशू है फ्रेंड्स, क्योंकि जो विदर्भा रीजन आता है, देखिए मुंबई के लिए अप्लाई कर सकते हैं महाराष्ट्र एक्सक्लूडिंग विदर्भा रीजन, देखिए ध्यान से पढ़िए एक्सक्लूडिंग विदर्भा रीजन, मतलब जो भी स्टूडेंट है जिनका डोमिसाइल विदर्भा से आता है, विदर्भ रीजन से आता है महाराष्ट्र से, वो मुंबई ऑफिस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। मुझे बहुत स्टूडेंट ने इसके बारे में कॉन्टैक्ट किया था, ये डाउट पूछा था, तो ये मैं आपको क्लियर करा रहा हूँ, जो विदर्भा रीजन के हैं वो मुंबई ऑफिस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपने अप्लाई भी किया भी है, आपने एग्ज़ाम भी दी है, आपको मार्क्स भी अच्छे आ गए, लेकिन आपको बाद में रिजेक्ट किया जाएगा, ये क्लियरली नोटिफिकेशन में मेंशन है, एनेक्स्टर 3 में मेंशन है। नेक्स्ट है गोवा एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ दादरा नगर हवेली, तो ये अप्लाई कर सकते हैं मुंबई के लिए, लेकिन विदर्भा रीजन के स्टूडेंट मुंबई के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। विदर्भा रीजन में कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, नागपुर आता है, यवतमाल आता है, गढ़चिरौली, गोंदिया, भंडारा, बुलढाणा, अकोला, अमरावती, वर्धा, वाशिम, ये सब आते हैं विदर्भा रीजन में,
तो ये अप्लाई नहीं कर सकते मुंबई ऑफिस के लिए। फिर से एक बार बता रहा हूँ, देखिए नागपुर के लिए कौन अप्लाई कर सकता है, विदर्भ रीजन ऑफ महाराष्ट्र स्टेट एंड मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, तो ये सारे अप्लाई कर सकते हैं नागपुर के लिए, विदर्भ रीजन ऑफ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जिनके पास में डोमिसाइल है वो। पटना के लिए अप्लाई कर सकते हैं बिहार और झारखंड के स्टूडेंट, और तिरुवनंतपुरम के लिए अप्लाई कर सकते हैं केरला और लक्षद्वीप जो यूनियन टेरिटरी आइलैंड है तो उसके अप्लाई कर सकते हैं तिरुवनंतपुरम के लिए। अब देखिए आखिर में पॉइंट क्या मेंशन है, द एप्लीकेंट्स ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स रिसाइडिंग इन विदर्भ रीजन ऑफ महाराष्ट्र कैन अप्लाई आइदर मुंबई ऑफिस और नागपुर ऑफिस। तो देखिए मैंने जैसा आपको बताया था कि मुंबई ऑफिस के लिए विदर्भ के स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन एक जो एसटी कैंडिडेट्स है शेड्यूल्ड ट्राइब्स के एसटी कैटेगरी के तो वो अप्लाई कर सकते हैं महाराष्ट्र के मुंबई और नागपुर दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो बाकी कैटेगरी के मतलब ईडब्ल्यूएस हो एससी हो या फिर ओबीसी हो जनरल हो तो वो सिर्फ नागपुर के लिए अप्लाई कर सकते हैं विदर्भ रीजन, मुंबई के लिए नहीं, सिर्फ वो एसटी कैंडिडेट के लिए छूट दी गई है। तो ये आपको मैं ध्यान में रखना होगा। आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा होगा कि आप किस ऑफिस के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने कुछ गलती की है फॉर्म भरने में तो आप डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाओगे फ्रेंड्स, इसमें कोई चेंजेस आरबीआई अलाउ नहीं करता है। आपने फॉर्म भरते वक्त सही फिल किया होगा तो ओके, नहीं तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट हो जाओगे। तो इंपॉर्टेंट इशू आपको ये पता होना चाहिए, इसलिए मैंने इस पर एक वीडियो बनाया है। आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन पर ज़रूर प्रेस कर दीजिए और इसके लिंक अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। अगर उन्होंने कोई गलत फॉर्म भरा है तो उनको भी बताइए। स्टडी करते रहिए। अगर आपने एलपीटी का प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर दीजिए। थैंक यू।